ये आपका जो इसका क्राइटेरिया है दोबारा लिख देता हूँ, यूएई मार्केट क्राइटेरिया क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइस क्या बताइए आपको। प्रोडक्ट्स में बिटवीन लेस देन 100 दिरहम, वो सर्च करते रहा हूँ, यानी कि लेस देन थर्टी टू 100 दिरहम 30 to 100 जी आपकी प्रोडक्ट जी की प्राइस होनी चाहिए, जी AED, कम से कम की बात कर रहा हूँ। जो वैसे तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं ना, 250-300 तक भी लगा अच्छा सकते हैं, ताकि मिनिमम जो आपको होना चाहिए स्टार्टिंग में आपके लिए कम से कम इतना होना चाहिए। और इसकी जो कैटेगरी है वो अनगेटेड हो, लाइक होम एंड अच्छा किचन, ठीक है, टॉयज, कंप्यूटर नहीं, वो उसका फील्ड है कंप्यूटर एक्सेसरीज और कंप्यूटर हाँ मशीन। कंप्यूटर एक्सेसरीज वो देख लें, ताकि अनगेटेड कैटेगरी, जी गेटेड कैटेगरी में ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं यूए यूए की मार्केट की। जी और बीएसआर क्या बताया आपको, BSR लेस देन 1000, नहीं, बीएसआर आपको वो यूके मार्केट के लिए आप 20,000 बता रहे थे ना यूके मार्केट 20,000 था, इसके ऊपर चिप टू पर। हाँ इसके ऊपर कम से कम 2,000 तक आप जा सकते हैं, अच्छा 2000 2,000 तक आप जाएं, छोटी मार्केट है ये। अच्छा और आपको उसका रेटिंग तो अच्छी होनी चाहिए ना, जी रेटिंग कम से कम अबाउट फाइव फोर हंड्रेड फोर नहीं, मैक्सिमम 5 होता है, 4 से 5 के दरमियान हो, अच्छा 4 से 5। अच्छा रेटिंग की बात करें तो रेटिंग सही, मैं फोर से मिक्सअप फाइव हो गया उसके साथ के। हाँ जी। और रिव्यूज जो है आपके कम से कम कितने होने चाहिए, अबाउट 500 नहीं 5 नहीं 5, 5 रिव्यूज होने चाहिए कम से कम, है ना अच्छा रिव्यूज की बात कर रहे हैं, रेटिंग जी। सॉरी मैंने रिव्यूज वो हेडिंग चेंज किया हुआ यहाँ पर कोई मसला, जी, रिव्यूज आपके कम से कम 5 होने चाहिए उस प्रोडक्ट की तरफ आप जाएं। अच्छा अबाउट 3.5 उसके हैं। ऊपर सेलर कितने होने चाहिए, सेलर जो बैठे होने, FBA कर रहे हैं, FBM कर रहे हैं सेलर्स, ये क्रिटेरिया रखे ना मैनुअल सर्च का, कम से कम अच्छा 3 से 7 सेलर बैठे हों उस पे, तीन या अच्छा सात मिनिमम 3 हों उस पे अच्छा जो FBM कर रहे हो, अच्छा 3 से 7 बैठे हो कम से कम। और ये कोशिश करें Amazon शुड नॉट बी अ सेलर, अच्छा Amazon शुड नॉट बी अ सेलर, क्योंकि Amazon हमें कंपीट नहीं करने देगा, कर लेते हैं, करने वाले कर भी जाते हैं, लेकिन अच्छा हम स्टार्टिंग में हमने कोशिश, होल फिलर और सेलर सेम होना चाहिए, सॉरी मतलब जो फिलफिल कर रहा है और जो सेल सेल कर रहा है वो सेम होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, हाँ वो दोनों चीजें FBM की मैनेज बात करो कर रहा हूँ, अपनी। FBM की बात कर रहे हैं हाँ ना FBM जी। होना चाहिए। दूसरा Amazon उसमें ना हो तो बेहतर, जैसे नीचे भी Amazon ऊपर भी Amazon, Amazon उसका सेलर ना हो, ड्रॉप शिपिंग भी मतलब है सेल शिपिंग भी Amazon की हो, सोल्ड भी Amazon, वो ना हो उस लिस्टिंग पे, जी कोशिश ये करनी है। अच्छा और FBA भी ना हो। अनब्रांडेड ब्रांडेड आइटम, अच्छा जेनेरिक जेनेरिक ब्रांड कहते हैं, अच्छा ये सर्च करने से मिल जाते हैं। हाँ जी मिलते हैं, देखें उसमें होते हैं, यही तो प्रोडक्ट हंटिंग है ना मैनुअली, इसको तो कहते हैं कि आपके पास जेनेरिक ब्रांड होना चाहिए, कोई अदर्स ब्रांड लिखा होता है, अदर्स ब्रांड्स उसमें सैमसंग एप्पल या कुछ बड़े बड़े जैसे ब्रांड है ना, ताकि उसकी तरफ से कंप्लेन ना है आपको, वो ब्रांड सेलेक्ट करें उसके ऊपर लिस्टिंग पे। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिस दिखा देता हूँ कैसे लिस्टिंग करते हैं, आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हाउ टू ठीक लिस्ट अ प्रोडक्ट इन यूएई मार्केट, ताकि इसको थोड़ा आइडिया हो जाए आपको, ठीक है। ये हमारा यूए का ठीक है क्राइटेरिया है कि इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, आज हम एक देख भी लेते हैं उसके करके देखते हैं उसको। स्क्रीन शेयर हो रही थी ना आपको अभी, जी, यहाँ जो अभी टाइप किया वो शेयर हो हाँ रही थी। शेयर हो रही थी, ठीक हो गया, कभी कभी ऐसे उतना शेयर नहीं होते। अच्छा ये हमारी यूए की मार्केट है, यूए का जी सेलर सेंटर, जी जब ओपन कर अच्छा यूए आप का इसमें सेलर, लॉग इन है। हाँ मैं लॉग इन हो गया ऑलरेडी, अच्छा ठीक है, जहाँ पे हम कहेंगे ऐड प्रोडक्ट, अच्छा बल्कि सॉरी एक और पहले पहले क्वेश्चन ऐसा मैं करते हैं कि पहले आपको जो है ना मैं वो प्रोडक्ट देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट करें, अच्छा फिर आप इधर इस शॉप के, ये मैंने आपको बताया था कि बैक साइड से इंटर होते हैं,
जी हम बैक साइड से इंटर होंगे इसकी, ये शॉप की हमारी, क्योंकि शॉप जब भी जो ओनर होते हैं, जो इन्वेंट्री आती है वो आप देखना होगा, जो प्रैक्टिकल शॉप्स होती है उसमें बैक साइड से आती है, फ्रंट साइड से नहीं आती। तो यूँ समझ लीजिए हमारी बैक साइड है टू बिगेन एडिंग प्रोडक्ट, यहाँ से हम शुरू होता है हमारा सफर। ये कहाँ पर क्लिक किया आपने? क्या चीज? पांडियर प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। हमारा सेलर सेंट्रल है ये amazon.ae का, यहाँ से हम शुरू करेंगे सफर। पहले हम अच्छा जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें वो करना चाहिए, लिस्ट करना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं, amazon.ae। अभी बेस्ट सेलर में जाएंगे, उसके बाद हम किचन में हम जा रहे हैं कि हमें देखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हम लिस्ट करें। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसकी, जैसे हम आप क्राइटेरिया बताए, आपको हंटिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर। ये तरीका जी, बता रहा हूँ कि आपको कैसे, अच्छा, इसमें कंप्यूटर एक्सेसरीज पे जा सकते हैं? कंप्यूटर हाँ जा सकते हैं, कंप्यूटर एक्सेसरी पे भी जा सकते हैं, एक्सेसरीज पर हो सकते हैं वहाँ से प्रोडक्ट ना मिले। कंप्यूटर मेन कैटेगरी में जाए, जी इलेक्ट्रॉनिक्स में। ने, उसमें कंप्यूटर एक्सेसरीज कंप्यूटर या में गए, कंप्यूटर नेटवर्किंग एक्सेसरीज, एक्सेसरीज में आ गए जी। नेटवर्किंग एक्सेसरीज, जैसे ये डेटा केबल्स हैं, ये सारे टीपी लिंक। जी क्या वो शेयर हो रही है आपके पास? जी स्क्रीन शेयर हो रही? हाँ जी ठीक हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं, पहले इसमें हमने सेलर भी ढूंढना है। अब ये प्रोडक्ट ढूंढने के बाद आपने इसके सेलर भी ढूंढने हैं, नोन से मिले आपको, वो आपको लोकल जी मार्केट से अच्छा, मिले। फॉर एग्जाम्पल एक जी ऐसे नंबर नोट करेंगे आप, जी मैं करता हूँ एक मिनट। 20075। दुबई का है, जी amazon.ae /tp। जी बताएं, 20075 75 PDL P Q D L Q 2Y। 2 Y, ऐसे बस। हाँ जी, ये क्या है? ये एक टीपी लिंक आर्चर आ गया है जी, हाँ जी वायरलेस केबल रूटर है जी जी इसका, है अपना एन कंप्यूटर्स, ये किसका है? सेलर जो है, जी जी सेलर बिल्कुल जी का सेम है ना जी जी जी। हाँ एन जी, ये कंप्यू, FBM का रहा है ना। ये FBM का है बिल्कुल। हाँ जी लेकिन ये ब्रांड देखें ना, टीपी लिंक है अच्छा, ब्रांड का, कोशिश करें अदर्स लिखा हो यहाँ पे, क्या लिखा हो जी? अदर्स अदर ब्रांड हो, या अच्छा अच्छा जेनेरिक लिखा अदर, होता है या अदर लिखा होता है, क्योंकि हम ब्रांड में जाएंगे तो फिर बाद में हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है गॉट इट। और उसके बाद स्क्रीन शेयर हो रही, जी, सेलर देखें कितने बैठे हैं इस पे। ये FBA कर रहा है, ये भी 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 FBA कर रहा है, ये अमेज़न जूके है। तो इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये ब्रांड की प्रोडक्ट है। जी ठीक है। तो हम जैसे सपोज ये देख रहे हैं, अब मेन चीज़ ये है कि आपको तरीका बताना है कि कैसे हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं जी अमेज़न से, यू ग्रीन है ये, यू ग्रीन। ये देखो यहाँ पे ब्रांड खुद बैठा हुआ है, जी देखा? जब ऐसी प्रोडक्ट हाँ में जी जाएंगे जिसमें ब्रांड खुद बैठा हो ना, वो हमें सेल नहीं देगा, पहली बात है अच्छा ठीक है, वो हमें सेल नहीं देगा। दूसरी बात है वो रजिस्टर्ड होगा, अभी देखिए यहाँ पे और कोई भी नहीं है, खुद बैठा हुआ है अकेला, ठीक है ना, अकेला बैठा हुआ, कोई जी और लिस्टर नहीं है, लिस्टिंग नहीं की हुई किसी। तो हमने ये प्रोडक्ट सर्च करनी है कि हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें ब्रांड खुद ना बैठा हो, कोई और बैठा हो, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो। अच्छा मैं आपने मुझे मैंने आपके जिम्मे लगा देना था, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ के आते हैं ना जिसमें हम वो लिस्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपको
इजी हो जाता है, ये भी कोई और नहीं बैठा हुआ अकेला पे। हमारी क्राइटेरिया मैंने आपको जो बताया वही क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा। जी समझ गए। हाँ जी, तो इतना आसान तो नहीं है ना, घर बैठ के काम करने वाला है वो भी आसान तो है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी FBA कर रहा है, ब्रांड इसका ये वाला है, इसमें देखें कोई FBM कर रहा है, FBA, ये FBA नहीं कर रहा, कोई FBM नहीं कर रहा, हमें FBM करना चाहिए इसको। ये तो प्रोडक्ट मैनुअल ढूंढनी होती है हमारे लिए, मुश्किल होता है। इसमें कोई भी एफबीएम नहीं कर रहा, आप इस फील्ड में ले आए हैं ना मुझे, जिसमें ब्रांड बैठा हुआ है। जी हम इसलिए आराम से होम एंड किचन में घुस जाते हैं, वहां से मैं आराम से ना एफबीएम मिल जाते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं ना इसमें। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम FBA कर देते हैं, उसको प्रोडक्ट भिजवा देते हैं उसके लिए, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा ना कहीं कि मैं अलाउ नहीं करता। जब हम ऐसा डालते हैं वो कहते हैं अमेजोन अप्रूवल हो, इसमें बैठा हुआ एक ड्रॉप शिपर, इसको ट्राई कर लेते हैं, इसका मतलब है ये अलाउ आने देगा, अंदर इंटर होने देगा। इसमें और भी हैं, वेरिएशन हैं इसमें, हम चेक कर लेते हैं इसको आपको बताने के लिए कि लिस्ट कैसे करते हैं प्रोडक्ट को। फोर्टी 42, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मेन नंबर मसला बनेगा अगर हमें लिस्ट करने देता है ये वाला जो प्रोडक्ट है। देखो अभी ये हो सकता है इंटर ना होने दे, लेना वो बैठा है, इसमें लेना को सेल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन हमने कोशिश ये करनी होगी इस पे अमेजोन ना हो। देखिए इस पे अमेजोन खुद भी बैठा हुआ है, तो अमेजोन जहाँ पे खुद बैठा होता है वो हमें मार्जिन नहीं देता, कहते हैं मार्जिन में खुद लूंगा, तो वो जो है ना फिर हमें कुछ नहीं मिलता। हमें अब रेवेन्यू तो नहीं बढ़ाना, हमने हमने सेल बढ़ाने, हमने सेल नहीं बढ़ानी, हमने प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाना, हमें अच्छा प्रॉफिट चाहिए। इसमें लेनोवो खुद नहीं है, उसके बाद हंटिंग भी करनी होती है, पहले आप हंटिंग कर लें प्रोडक्ट की, आपको सप्लायर मिल जाए, फिर लिस्ट करना होता है। लेकिन मैं आपको तरीका बताने के लिए, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन डॉट ए। अब लेट सपोज हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, हमने इसको लिस्ट कैसे करना जी है, कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है कि आपने उसको लिस्ट करना है, आपने आप ये प्रोडक्ट अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो आपको ये प्रोडक्ट जी ढूंढ के नोन से हो अपना वॉलमार्ट लोकल मार्केट दुबई की मार्केट से ये आपको क्लाइंट को ढूंढ के देना पड़ेगा। इसकी जी कॉस्ट है 38.93, हम इसकी कॉस्ट क्या बिल्कुल रखेंगे, हमें मार्जिन चाहिए भाई, हम ऐसे नहीं बेचेंगे, हमें चाहिए। ये तो 100 भी बैठा हुआ है, ठीक है, हम इसकी कॉस्ट रखते हैं जी 99 दिरहम, अच्छा बेशक हमारा नाम फिर यहाँ पे आ जाएगा, जी ठीक है ना, हम इसके नाइन्टी नाइन दिरहम रखते हैं कॉस्ट, हम इससे कम नहीं बेचेंगे, फिर हमें कुछ प्रॉफिट दो, बेशक हम फिर यहाँ से परचेज करके भेज देंगे, नहीं समझे आप। जी तो अव्वल तो होना चाहिए कि आपके पास इस तरह का डाटा स्टॉक पड़ा हो, आपके जी पास स्टॉक पड़ा हो, जब भी आपके पास ऑर्डर आप शिफ्ट कर दो। अभी देखें
मैं आपको दिखाता हूँ कितनी कॉस्ट आएगी, कम से कम इसमें 3-4 दिरहम अमेजोन काटेगा आपको, 40 41 42 में पड़ेगा, तो जो है ना आप 100 में आराम से इसको बेच सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं इसको लिस्ट, जी इस प्रोडक्ट को हम लिस्ट करने जा रहे हैं। ये देखो हम क्या करेंगे, जे वाला पकड़ेंगे एसन, ठीक ऐसा नहीं, है, एसन हमारा अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। एक मिनट, हम अभी इसको लिस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस एसन को कॉपी किया जी हमने, जी कास्ट कितनी रखनी है इसकी, 99 रखनी है, याद रखिएगा। जी यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ये हमें क्या करते हैं देखो, सर्च करेंगे, जे आ गया, ठीक है, जे हमारे पास उसका एसन आ गया, यूपीसी आ गया, सेल्स रैंक आ गया। लिमिटेशन चेक करें इसकी, लिमिटेशन देख लें, जो नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन द ब्रांड, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन द ब्रांड, वो कहते हैं अप्रूवल लो, हम करके देखते हैं क्या करता है ये। स्टार्टिंग में बता भी देता है, कहते हैं न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो यहाँ पे जाएंगे आप, ये देख रहे हैं स्क्रीन शेयर हो रही, जी अगर न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे जहाँ पे जाएंगे, हम नया अपना प्रोडक्ट लगाएंगे, तो हम कहते हैं नहीं हमने इस पे बेचना है उसकी। अभी कह रहा है कि यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट, टू लिस्ट इन द ब्रांड, ब्रांड से अप्रूवल लें फिर आए। जी देखें वो कहते हैं रिक्वेस्ट टू अप्रूवल, इसका मतलब नहीं बेचने दे रहा हमें जी, ठीक है हम वापस आएंगे, हम नहीं जाते जी, हमारे पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है। हम ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि हम ड्रॉप शिपर हैं। अभी मैं आपको ले जाऊँ होम एंड किचन में, जहाँ से मैं जल्दी अनगेटेड कैटेगरी होती है, यहाँ से प्रोडक्ट हमें जल्दी मिल जाएगी। जहाँ से हमें अप्रूवल ना लेनी पड़े, ब्रांड बैठे होते हैं ना, तो ब्रांड मुश्किल होते हैं, इस पे अमेजोन खुद बैठा हुआ है। इसको तो बोलते हैं ना हंटिंग प्रोडक्ट, हंटिंग आपकी अच्छी हो आप उसे लिस्ट कर दो। डियर मैट, ब्लैक डेकर, फ्रेजाइल प्रोडक्ट ना हो, टूटने वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ये देख लेते हैं इसको, ये चीज है, ये बाद में ढूंढनी पड़ेगी, मिल भी जाती है, सेल करते हैं इसको इसको इसको, ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, ट्राई कर लेते हैं इसको। इसका रेट क्या है जी, 32 है, कितने में बेच रहे हैं इसको, फोर्टी वन का भी बेच रहे हैं हम, 41.98 का सेल करेंगे, ठीक है 41.98 का सेल्स रैंक इसका, एशन 54 है चलेगा,
ये भी चलेगा, 3 टीयर कंटेनर में लेने पड़ेंगे 1 पीस। जी हम लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका एसन पकड़ें, इसको देखते हैं क्या करता है। अमेजोन सेलर सेंट्रल पे जाएंगे, एड प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है। अभी ये दे, अभी ये नहीं आ रहा कि ब्रांड अप्रूवल हो, ठीक है। अभी पूछ रहा कौन सी बेचनी है, न्यू या पुरानी। मैंने कहा न्यू बेचनी है। लिमिटेशन चेक कर, लिमिटेशन पे नहीं लिखा आ रहा कि ब्रांड अप्रूवल हो, उस पे लिखा हुआ आ रहा था ना, उस पे लिखा हुआ आ रहा था। अभी हम कहते हैं अभी हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा फ्यूचर ट्रेडिंग LLC, अगर हमारा प्रोडक्ट लग जाते हैं तो हमारा नाम भी वहां पे आ जाएगा, पहले नहीं था ना वहां पे। ये कौन सी प्रोडक्ट थी हमारी, ताकि साथ साथ आपको आइडिया होता जाए ना। ये वाली थी, इसमें कितने 6 बंदे बैठे हुए हैं, टोटल 6 बंदे हैं इसमें। इसमें ये फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगी, देखा है, इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं। अभी हम लिस्ट करेंगे तो हमारा नाम भी आ जाएगा इसमें, 5 मिनट बाद, 10 मिनट। तो हमने न्यू सेल करनी है, ये वाली चीज़ है हमारी, फिर परचेज करके देनी भी पड़ेगी हमें उसको। यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल दिस प्रोडक्ट, इसलिए कहते हैं एक एक चीज की हंटिंग होती है, एक एक चीज का ख्याल करना पड़ता है, तभी जाके आपको प्रॉफिट होता है। अच्छा रैंडम सर जी, सेलेक्ट ऐसा भी करेंगे तो हो सब सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं जी जिस लोकेलिटी में बैठा हूँ, एरिया में बैठा हूँ, जी जी फॉर एग्जाम्पल होम एंड किचन में, मेरे पास यहाँ पर बहुत बड़े स्टोर हैं, तो किसी एक से जाके मैं प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके तो दराज पे बेच सकता हूँ। हाँ, बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते। आप अकाउंट बनाए, अकाउंट बना के आप FBM करें, आपने FBD करें, फुल फिल बिल दराज करें, या फुल फिल बिल मर्चेंट करें, FBM करें, कर सकते हैं, कितने सारे अच्छा, प्लेटफॉर्म। तो यहाँ के अच्छा दराज के कितने एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर, तकरीबन उतने मैं ही होंगे बताता हूँ आपको, जैसे पहले ये कर यूपीआर लें के। इसको। अच्छा जी, अब इसमें क्या प्राइस रखनी है हमने, इसकी कितना कहा था मैंने, 41 और एक हंड्रेड फोर्टी का वन बेच पॉइंट रहा था, नाइन फोर्टी एट वन फोर्टी वन जी पॉइंट नाइन एट रखेंगे। कितने स्टॉक है, जी मैं मेरे पास 2 आइटम लिख रहा हूँ, मैं मेरे पास 2 स्टॉक पड़े हुए, मैंने कहा बेचना है मुझे, जी ठीक है। कंडीशन कौन सी है, न्यू है। आई विल न्यू शिप दिस आइटम माई सेल्फ, सेल्फ शिप, और आई विल पैक दिस आइटम। वो कहते हैं आप खुद शिप करोगे या अमेजोन करे, अमेजोन विल जी शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल भी अमेजोन। हम कहते हैं नहीं ये तो नहीं हमारा, ये वाला है, हमने अपना खुद कहीं से लेके इसको भेज देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक चलो जी फिनिश, सेव एंड फिनिश। योर अपडेट हैव बीन सबमिटेड, ये प्रोडक्ट है, ये उसका वो है, ये देखिए इसमें ये प्रोडक्ट अभी थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट एडेड है, इसमें थोड़ी देर में ये प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा सेलर लिस्ट में आपके। ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे कि उसके अपने अकाउंट में कि इसका पूरा लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। हमारा ये प्रोसेस था बस इतना सा, जो अभी हमने किया, अच्छा आपने जी हंटिंग करनी है, हंटिंग करके लिस्ट कर देना, अपना प्राइस बताना कि आपने कितने प्राइस में सेल करना है। जी 2 मैंने स्टॉक रखे हैं, अपने पर 2 पीस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन केस सेल होती है तो आपको इंटीमेशन आएगी कि प्रोडक्ट सप्लाई करें। हाँ आपके पास मेल आगे आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था, जी मेल आती है, इनवाइस आती है, मेल बन के इनवाइस बन के आया जी, आपको 48 पॉइंट आपको जी आपके अकाउंट में तो जमा हो गए, अभी आप इसको शिप फिर करें। आप आप सप्लायर से रिक्वेस्ट करेंगे डिलीवर हाँ सप्लायर से कहेंगे, इस हमें एड्रेस जो पे। ऑर्डर आएगा, हमें जो वो प्रोडक्ट होगी, उनको सारा वो उनको कह देंगे इसको शिप कर। अभी हमने ये ढूंढ के रखनी है, अभी ये प्रोडक्ट हम हमारे पास ऑर्डर आता है तो हमें ये देनी पड़ेगी। अभी हमारे पास थोड़ी देर में हम चेक करेंगे कि हमारा नाम जहाँ पे आ जाएगा, अभी यही प्रोडक्ट था ना। जी अभी कितने सेलर हो गए देखें, पहले 6 से 7 से पहले। 7, अभी 7 हो गए, हमारा नाम आ गया होगा फ्यूचर में, ये आ गया।
अच्छा देखा, जस्ट लॉन्च, अभी जी लॉन्च किया है हमने, जी तो बस ये सिंपल सी बात है, जस्ट आपने प्रोडक्ट हंट करना है, हंट करके आपने लिस्ट कर देना है, प्रोडक्ट हंटिंग आपकी होनी चाहिए। मैं क्यों आपको फोकस कर रहा हूँ, 40.98 41.98, 98 लगाया था मैंने, ये देखिए 41 पर मैंने कहा इससे थोड़ा कम रखेंगे, हमने आपने 41.98 41 लगाना था ना, लगाया 40 लगा दिया, अच्छा हमने 41 लगाना था 40 लगा, चलो ठीक है बस, जी ठीक है ना जी, इतना सा काम होता है बस, जी हमने 2 दिन टाइम रखा हुआ है इसका, फिक्स किया हुआ कि 2 दिन बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, 10 से 14 तारीख को हम इसको डिलीवर करेंगे, अगर हमें आज ऑर्डर आ जाता है तो, जी ठीक है बस जी, ठीक मेन है हंटिंग आपकी स्ट्रांग हो बस है। सपोज मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, सप्लायर भी अवेलेबल है, तो जी। देखिए अब मैं प्रोडक्ट उल्टा आपको करना पहली चाहता हूँ, बात मेरे है, अगर पास देखिए पहली बात है, अगर आप प्रोडक्ट उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर है तो वो आपको वही प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट है फिर तो आपको FBA करना पड़ेगा, फिर तो आपको नई जी लिस्टिंग क्रिएट कर, नई लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी ना, जैसे मैंने उधर बताया था आपको नई लिस्टिंग क्रिएट करनी है जी तो, ठीक है अब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है, अब आपके पास जहाँ पे किसी टाइम भी ऑर्डर आ सकता है, इधर मेल जेक आएगी इसमें। जेक मेल में भी आ गई कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है, अच्छा आपके पास एक मैसेज भी आ कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर ये लिस्ट कर दिया, अभी आपके पास मेल आएगी कभी, अभी अगर ये सेल होता है तो आपको आ जाएगा कि आपके पास सेल होगी, अपने उसमें जाओ जहाँ पे आपके इनवॉइस बनाओ और कस्टमर को शिप करो, मैंने आपको लाइव आपको प्रोडक्ट करके दिखाया कि यहाँ पे 6 सेलर बैठे हुए, अभी 7 हो गए हैं और हमारा नाम भी जी फ्यूचर सेलिंग का इस पे आ गया है, ये जी देखिए इसके स्टोर में जाना चाहें स्टोर में चले जाएं, कितने प्रोडक्ट सेल जी कर रहे हैं, मैंने तो दिखाई थी आपको, ये अच्छा प्रोडक्ट पहले ये थी 2-3, अभी ये भी ऐड हो गई, ये देखिए जो बायर है उसकी डिटेल तो आपको अमेजोन भेजेगा। जी वो अमेजोन देगा, अमेजोन हमें, हम ट्रैफिक अमेजोन लेके आएगा ना, हमने थोड़ी ट्रैफिक लेके आनी है, बायर अमेजोन भेजेगा, सप्लायर हम ढूंढेंगे, इसी के लिए शॉपी से, शॉपी फेर इसका मजा है ना, शॉपी फेर पे खुद ट्रैफिक लेके जाना पड़ती है आपको, जहाँ पे खुद अमेजोन मार्केटिंग कर रहा है अपनी, तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है ड्रॉप शिपिंग में और दुबई मार्केट में, कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया, एक प्रोडक्ट लें उसकी सेल रैंक अच्छा हो, उसका ब्रांड अच्छा सारा हो, उसके क्राइटेरिया हाँ ये सारा क्राइटेरिया अच्छा हो, और उसको कैसे लिस्ट करते हैं, जस्ट आप उसका एसन कॉपी करें और एसन कॉपी करके आप उसको एड प्रोडक्ट में जाएं, अगर ब्रांड अलाउ करते हैं आप उसको ऐड प्रोडक्ट करें, न्यू करें, न्यू करके आप उसको प्राइस दें, किस प्राइस में आपने सेल करना है वो आप प्राइस दे दें उसको, ठीक है उसके बाद कितना स्टॉक है आपके पास, अच्छा मैंने कहा मेरे पास 2 आइटम पड़े हुए हैं, वो कहते ठीक है ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आपके पास उस वक्त आएगा जब आप अकाउंट आपका लाइव होगा जहर, जब अकाउंट आपका एक्टिव होगा ना, जिस दिन ऐड आपका अकाउंट बन गया ना, बना हुआ है हमारे अकाउंट, ये ऐड प्रोडक्ट तब आएगा ना, सारी चीजें खड़ी हैं उसमें, ठीक है जी। उसमें आपको ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट के बाद आपने उस पर अपना एसन डालना है, एसन डाल के आपको आगे उसको लाइव कर देना है प्रोडक्ट, वो आपकी लाइव होगी, अब अच्छा आपके पास ऑर्डर आएगा, जी अपने ऑर्डर शिप करके अपना मार्जिन अपने पास रखे अच्छा प्रोडक्ट मैंने शिप करें, सिंपल सा फंडा है इसका, कोई जी इसमें बड़ी साइंस ये नहीं मैं समझ ये आई गॉट इट। ये अब जी मेरा क्वेश्चन, जी मैंने गलती से अपना जो मैंने मिस्टेक की गलती की अपना अमेजोन एमिरेट्स पर अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया, जी उसमें मेरा नाम और ईमेल डाला था सिर्फ मैंने। अब मैं अगर ईमेल चेंज करूं तो एक्सेप्ट अकाउंट क्रिएट हो सकता है? आपने अपना पर्सनल उसमें एमरेट्स आईडी वगैरह नहीं डाला हुआ, एमरेट्स आईडी नहीं, वो तो मेरे पास थी ही नहीं, वो तो मैंने जब ऐड कर दिया तो वो देखो तो UAE पाकिस्तान को उसकी लिस्ट में हाँ नाम जी ही नहीं कर सकते हैं, था। आप ईमेल चेंज कर दें अपना, आप कर सकते हैं उसको, जब तक अच्छा आपका डाटा नहीं चला जाता तब तक अमेजोन से आप फ्री हैं, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, आप ईमेल चेंज लेकिन करेंगे नेम अगर, तो नेम का तो नहीं। नेम की नेम की वेरिफिकेशन तो नहीं की थी ना उसने, कि भाई भाई आपका नाम मुनीर ही है, कैसे पता चलेगा उसको, उसको पता चलेगा आपका आईडी कार्ड डालेंगे, आपका एमएलएस आईडी डालेंगे, फिर उसको कंफर्म होगा आया जी मुनीर है, अच्छा हाँ आपकी तस्वीर होगी, आपका आपको अमेजोन वेरिफिकेशन के लिए आप वीडियो कॉल भी कर सकता है, अच्छा अगर उसको दूसरा डाउट अदर हो क्वेश्चन जी 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 जैसे आप वहाँ दुबई में बैठे, मैं यहाँ पर पाकिस्तान में हूँ, तो यहाँ मेरे लिए दराज पे काम करना ज़रा रिलेटिवली इजी होगा, रिक्वायरमेंट्स मीट करना। देखें दुबई जो अहमद दराज की मार्केट है वो जरा उससे छोटी मार्केट हो गई, फिर वो पाकिस्तान की मार्केट है,
बात नहीं समझे, हमने अमेजोन को क्यों पकड़ा हुआ है, हमने हम यूएस में भी नहीं जा सकते, हम यूके में भी नहीं जा सकते, हम कम से कम दुबई में तो करें। हम अमेजोन के जो अल्गोरिदम है ना, वो दराज से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा दराज में क्योंकि आजकल ये चल रहा है, पाकिस्तान में प्रोडक्ट मंगवाते कुछ और है, आता कुछ और, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है उस पर, सीधी सी बात है। अमेजोन ऐसी वायलेशन कभी नहीं करने देगा। एक तो मुश्किल से हम उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, अगर हम ऐसी वायलेशन करेंगे तो अमेजोन तो हमें सस्पेंड कर देगा। तो लोग क्यों नहीं आते अमेजोन की तरफ, उनने यही काम करने होते। ये वो बंदा कामयाब नहीं होता यहाँ पे, सॉरी अमेजोन पे, जो इस तरह के काम करे। अच्छा, जी अमेज़न दुबई ए जी जी इस पे कोई भी कैटेगरी आप सेल कर सकते हैं, या आपको पहले रजिस्टर करवानी है, लाइसेंस लेना पड़ता है किस कैटेगरी में आप एंटर नहीं होंगे? देखें, पहले तो आप कोशिश करें, जब आप ड्रॉप शिप पर हैं आप स्टार्टिंग करें अनगेटेड कैटेगरी में जाएं, आप रजिस्टर ना करवाएं कैटेगरी को। अमेजोन कहते हैं जी इनवाइसेस दो मुझे, वो हमें अच्छा इनवाइसेस नहीं, देनी पड़ती, फिर जाके कैटेगरी अनगेट करवानी पड़ती है। मेरा सवाल यह है कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं अमेज़न एई पर, तो जी उसके लिए किसी भी कैटेगरी को कर सकते हैं, या कैटेगरी आपको पहले से नहीं, लाइसेंस लेना मैं वही पड़ेगा? कह रहा हूँ, जी इसमें गेटेड भी हैं अनगेटेड भी हैं। हम कोशिश करते अनगेटेड, हैं अनगेटेड जी अनगेटेड में जाएं, जैसे होम एंड किचन हो गया या कंप्यूटर एक्सेसरीज हो जी गया, जी वो अनगेटेड कैटेगरी रहे, ठीक है, जिसमें अच्छा और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, जी उसमें अमेजोन रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, आपको कैटेगरी हमसे इनवाइस इनवाइस देनी पड़ेगी, आपको डॉग्स की कुछ जी चीज़ें हैं खाने पीने की वो हमसे अप्रूव करवाएं, ताकि वो कुछ ऐसी चीज़ फार्मेसी की चीज़ें वो हमसे अप्रूव करवाएं, हमें लिस्ट दें, हमें इनवाइस दें कि वाकई फलां आप ऑथेंटिक बंदे से आपने परचेज कर रहे हो माल, फिर हम उसको अप्रूव कराएंगे। तो हम सजेस्ट करते हैं अनगेटेड कैटेगरी में जाएं, अपने प्रोडक्ट का एसन पकड़ें, उसको लिस्ट करें, उसको न्यू लिखें और उसका क्वांटिटी डालें और उसकी प्राइस डाल के खली वली करें, अपना काम चलाएं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, फिर आपने FBA करना है, आपने PL करना है, आप जो भी करना चाहें आपको तरीका आ जाएगा, आपके पास एक सारी रवानगी आ जाएगी काम में, तो वो फिर आप इजीली कर सकते हैं उसको। ठीक हो गया, ठीक ठीक है सर, ठीक है, है, गॉट ओके, इट, फिर अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हेलो, जी मैं बेटे को मेरा कॉल करेंगे, आपका नंबर मैं जी जी उसको मुझे फॉरवर्ड नंबर दे करूंगा। दीजिए, जी उन्हें को दे दीजिएगा, मुझसे रब्ता कर, आपका रेफरेंस दे देंगे तो मैं बात कर लूंगा उनसे। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।